ये आ गई है स्काई कैब का टिकट, यहाँ मकावी में। स्काई कैब का टिकट खरीदते हैं। This water you can drink. Alright. Sky cab में चलते हैं। ये भी sky cab. 55 ringgit का मिला है मुझे ये basic package 4-in-1. इसमें 3D म्यूजियम है, sky deck है, sky bridge है, I don't know एक और चीज़ भी है कोई। So let's see. क्या होता है स्काई Just one. Welcome for two. Yeah. पिक्चर लिया इन्होंने तो दैट मीन्स कि ये आगे शायद पैसे लेके ही देंगे, पिक्चर मुफ्त में तो नहीं देंगे। चलो लेट्स सी, इसमें चलते हैं अंदर देखते हैं। बैठ गए इसमें, लेट्स सी के व्यू कैसा आता है इसमें। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऑफ सीजन है, लोग बहुत कम हैं, तो इसलिए बहुत ईजली जो है वो टिकट भी मिल गया और बहुत ईजली जो है वो जगह भी काफ़ी मिल गई। इस कार में मैं अकेला बैठा हुआ हूँ इस वक्त, सो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया ये अभी। आराम से इसको इंजॉय करते हैं, होपफुली वीडियो भी अच्छी बन जाएगी अभी। सो लेट्स सी। ओह ये तो बहुत इजी है। हाँ तब हम अपहिल जा रहे हैं See that. और ये झटके लेना शुरू किए इसने।
और जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं कान बंद होना शुरू हो रहे हैं, सो आई थिंक ये हमें शायद पीक पे लेके जाएंगे। एयर भी आ रही है, फ्रेश एयर आ रही है क्योंकि इन्होंने ये बनाया हुआ है यहाँ से। काफी ऊंचाई पे आ गए हम, हाईएस्ट पीक पे जा रहे हैं। अच्छा है, काफी एंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ। यू कैन सी वाओ, बहुत जबरदस्त, अपहिल जाते हुए बहुत जबरदस्त जो है वो व्यू आ रहा है इस वक्त यहाँ। हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुके हैं अभी और ब्रेथ टेकिंग व्यू है यहाँ पर। बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन हम लोग अब हिल हैं बिल्कुल टॉप पे, उसके बावजूद जो है गर्मी लग रही है। आई थिंक नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो स्काई ब्रिज की होगी, स्काई ब्रिज बोल रहा था, वहाँ पे मैं जाऊँगा अभी ऊपर स्काई ब्रिज पे और वहाँ से थोड़ा कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। तो लेट्स सी, बहुत खूबसूरत जगह है, अब स्काई ब्रिज चलते हैं।
सामने जो है स्काई ब्रिज है, तो यहाँ चलते हैं और ऊपर से व्यू करते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पे। लेट्स डू इट। दोबारा बैठेंगे स्काई कैब में ऊपर जाने के लिए। लेट्स सी, इसमें बैठते हैं। बैठ गए इसमें स्काई कैब में दोबारा। ये था मिडिल स्टेशन जहाँ पे हम रुके थे बीच में, वो एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ था या व्यू उसको कह लें आप, गैलरी सी बनी हुई थी। अब आगे चलते हैं, यहाँ से तेज़ जाएगी है मोस्ट प्रॉब्ली, काफ़ी तेज़ गई है। That this is amazing. Oh, unbelievable. पे आ गए हैं अब हम, यहाँ उतरना है और फिर स्टेयर्स से नीचे जाना है। रिंगिट का लिया है टिकट और ये मिल गया मुझे बैंड, लेकिन इसमें एलिवेटर नहीं है, मुझे पैदल जाना पड़ेगा स्टेयर से। हाँ जाना है, काफ़ी अच्छा बना हुआ ये स्टेयर्स बनी हुई है, काफ़ी बेहतर बनी है, तो इजली बच्चे भी यहाँ पे वॉक कर सकते हैं इस पे। ये इन्होंने स्पॉट्स बनाए हुए रेस्ट करने के लिए कि अगर कोई थक जाता है, कोई बुज़ुर्ग है या बच्चे हैं, ये इवन कोई अगर जवान भी थक जाता है तो यहाँ बैठ के रेस्ट कर लें अपना ईज़ली। और उसके बाद ये मस्जिद बनी हुई है, वॉक 6 मिनट्स की वॉक है अभी यहाँ से और फर्दर, सो मैं अभी चलूँगा और फिर देखें। लोगों ने यहाँ पे कैंस फेंके हुए हैं, कचरा फेंका हुआ है, ये मलेशिया में ये चीज़ बड़ी ख़राब हुई हुई है कि ये इसको सेव नहीं कर रहा है सिस्टम को, और काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड्स बनी हुई हैं, काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं और क्लीनिंग का ख्याल नहीं कर रही है, विच इज़ डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट। और यहाँ पे मंकीज़ भी हैं और ये वाइल्ड मंकीज़ हैं, यू कैन सी दैम।
Magic Fuzz. मज़ीद ऊपर जा रहे हैं, ट्रैक बना हुआ है ऊपर स्काई ब्रिज पे जाने के लिए, और मंकीज काफ़ी हैं यहाँ पर, बट लकीली यहाँ पर नहीं है मंकी इस एरिया में, अभी पीछे मिले थे काफ़ी सारे मंकीज। ऑलराइट, सो मैं आ गया हूँ टॉप पे और यहाँ से मिलेगा रास्ता मुझे स्काई ब्रिज का। आई कैन सी खूबसूरत बीचेस बने हुए हैं, look at this beautiful view. So मलेशिया में ये बात है कि ये lush green है क्योंकि यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है, इसकी वजह से ये lush green है, इसीलिए यहाँ पे mossy forest भी हैं। कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो हैं वो काफ़ी ड्राई हैं, especially ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा ड्राई है,
यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, खुश्की बहुत है. सो बट मलेशिया यू कैन सी स्लश ग्रीन, यहाँ पे गैलरी बनी हुई है. यहाँ पे कोई स्टेयरवे भी बना हुआ है बट ये क्लोज है अभी. जाते हैं टॉप पे, यहाँ को देखते हैं वहाँ पे क्या है. अब पावर बोटिंग कर रहे हैं लोग. और मैं अभी वापस जा रहा था तो ये रास्ते में नज़र आ गए. यहाँ पे मैं बैठा हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए. ऊपर जाने में अभी 4 मिनट्स हैं. कार्ड ऊपर से जा रही है. लुक एट दिस इंटरेस्टिंग होल इन द ट्री. काफी ज्यादा ही यहाँ पर. It's beautiful view. ऊपर आने में काफ़ी मुश्किल है. इट्स नॉट दैट बैड बट वेदर बहुत गर्म है इसलिए ऊपर आने में मुश्किल हो रही है. इनके पास ये एलिवेटर भी है जो नीचे लेके जाती है और ऊपर लाती है, और उस पर काफ़ी रश था अभी नीचे. एनीवेज सो ब्यूटिफुल दिस बीच. यहाँ आना पड़ेगा मुझे. देखो इसका यहाँ तक आने के लिए क्या चाहिए. आई थिंक ये स्नॉर्कलिंग हो रही है. डायमंड होगा या फिर पुलापा होगा. स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं लोग यहाँ. लेट्स सी. ओके अब जा रहा हूँ मैं स्काई व्यू की तरफ. इसके लिए टिकट नहीं है, ये केबल कार के साथ ही इंक्लूडेड था. यहाँ पे ही देखे लोगों ने लॉक्स लगाए हुए.
जो तुम्हारा और ये स्काई व्यू से स्काई व्यू डेक करते हैं वापसी की स्काई कैब पहुंचते हैं मेन पॉइंट पे Hello Atok, mana? Tak dapat sopis? Haa, ah, okey, aku nak pergi ni. Kau makan apa ke, Ramon? Haa, ah, okey, okey. Aku jap pergi sampai ofis. Ada siapa ofis? Tak ada lah. Okey, okey. Okey, 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 okey. आई थिंक मुझे बीच पे जाना पड़ेगा और नहाना है वहाँ पे जाके सो लेट्स डू इट